सेंसर्स क्यों ज़रूरी है? कौन से सेंसर्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं? इन सेंसर्स की प्राइसेस क्या हैं और ये सेंसर्स कहाँ मिलेंगे? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे 10 अलग अलग प्रकार के सेंसर्स जो रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो के साथ यूज़ किए जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सर, ये सेंसर्स एक्चुअली होते क्या है? देखो, सेंसर्स का काम सिंपल है, सेंस करना। ऑल दे डू इज सेंस थिंग्स। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे सेंसर्स हैं। हमारे पास दो आंखें हैं, वो कैमरा की तरह काम करते हैं, विजन सेंसर। उसके अलावा जीभ है जो टेस्ट सेंसर है, नाक है स्मेल सेंसिंग के लिए, कान है जो नॉइज सेंस करते हैं साउंड सेंसिंग के लिए। उसके अलावा हमारे पूरे बॉडी में टच सेंसर है और प्लस टेम्परेचर सेंसर है। अगर पूरे बॉडी पे आपको कहीं भी टच होता है, कोई भी आपको कहीं टच करता है, आपको इंस्टेंटली कहाँ टच किया ये सिग्नल मिलता है ब्रेन को। प्लस अगर कहीं पे आपके पीछे समझो कुछ तो गर्म चीज़ है, तो आपको पीछे गर्मी हो रही है, आगे गर्मी हो रही है, ये चीज़ भी मिलती है। तो इस तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सेंसर्स है, वो चीज़ों एनवायरनमेंट की जो चीज़ें हैं उसे सेंस करते हैं और ब्रेन को ट्रांसमिट करते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में भी अलग अलग सेंसर्स होते हैं। इन सेंसर्स का काम है एनवायरनमेंट में जो अलग अलग चीज़ें हैं, गैस हो, एयर प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, जो भी चीज़ें हैं, इनको सेंस करना और माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचाना। इससे जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही है, किसी ने टच किया या फिर टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ, इन चीज़ों पे रिएक्ट कर सकता है। तो चलो अभी देखते हैं टॉप 10 सेंसर्स जो यूजुअली आर्डुइनो और रास्पबेरी पाई के साथ यूज़ होते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर। फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी जगह पर यूज़ होता है आजकल। फ़ोन टैब्स में काफ़ी जगह पे इसका यूज़ है। जो फिंगरप्रिंट हमारे सिस्टम्स अटेंडेंस के सिस्टम्स है उसमें यूज़ होता है, और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी फिंगरप्रिंट मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये R305 फिंगरप्रिंट मॉड्यूल है। इसके अंदर कैसा है कि आप जब स्कैन करते हो तो आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैन है उसका एक टेम्पलेट बनता है, और इसे फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन होता है तो स्टोर किया जाता है। आप नेक्स्ट टाइम जब कोई उस पर स्कैन करता है तो उसका जो टेम्पलेट है, जो करंट स्कैन का टेम्पलेट है, वो जो डेटाबेस में जो टेम्पलेट है उससे मैच किया जाता है। अगर मैच मिलता है तो किस यूज़र से मैच हुआ ये वो आउटपुट दे देता है। अगर मैच नहीं होता है तो मैच नहीं हो रहा है ऐसे आउटपुट मिल जाता है। इसकी पिन डिस्क्रिप्शन, इसमें चार काम के पिन हैं। VCC 5 वोल्ट है, ग्राउंड है, उसके अलावा जो है RX इन और TX आउट। तो ये चार काम के पिन है इसमें। आर्डुइनो इंटरफेसिंग इसका अगर करना हो तो VCC जो है 5 वोल्ट, ये आर्डुइनो के VCC यानी 5 वोल्ट पे जाता है। इसका ग्राउंड आर्डुइनो के ग्राउंड पे जाएगा। इसकी जो ग्रीन वायर है TX डेटा आउट, ये आर्डुइनो के डिजिटल पिन 2 पे जाएगी। जो वाइट वायर है RX डेटा इन, ये आर्डुइनो के डिजिटल पिन 3 पे जाएगी। रास्पबेरी पाई के इंटरफेसिंग के लिए इसे आप डायरेक्टली रास्पबेरी पाई के UART पिन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारे जंपर्स यूज़ करने पड़ेंगे, या फिर आप UART टू USB कन्वर्टर यूज़ कर सकते हो, जिससे आप काफ़ी ईजिली रास्पबेरी पाई पे जो USB पोर्ट है उसके थ्रू इस सेंसर को यूज़ कर सकते हो। फिंगरप्रिंट सेंसर की ऑनलाइन प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये करंट प्राइस है। इसकी सेंसर्स की प्राइस क्या है कि ऊपर नीचे होती रहती है, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HCSR4 अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसे अल्ट्रासोनिक रेंज फाइंडर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के लिए, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेंसर से कितना है उसे डिटेक्ट करने के लिए। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर दो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये 40 kHz पे एक सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और वो सिग्नल जब तक रिटर्न आएगा, उसको रिटर्न आने में जितना टाइम लगता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस हिसाब से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ करके जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके अंदर पिन डिस्क्रिप्शन इसका अगर देखें तो इसके अंदर चार पिन है। VCC 5 वोल्ट, एक ग्राउंड पिन है, एक ट्रिगर है और एको है। ट्रिगर पिन पे जो है हमें ट्रिगर देना पड़ता है, एक 90 मिलीसेकंड्स का हमें पल्स देना पड़ता है। यहाँ पे इस पे जैसे ही आप पल्स देते हो जो एको पिन है वो हाई हो जाता है, और एक 40 kHz का एक जो है एक सिग्नल ट्रांसमिट होता है अल्ट्रासोनिक। तो वो सिग्नल जब तक रिटर्न आएगा, तो दूसरा ट्रांसड्यूसर उसको जब रिटर्न पकड़ता है, डिटेक्ट करता है, तो एको पिन को ये फिर से लो कर देता है। जैसे ही आप ट्रिगर पे ट्रिगर देते हो, एको पिन पे आपको रिस्पॉन्स मॉनिटर करना है। इन शॉर्ट, एको पिन पे जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा, जितने टाइम में आएगा, उस टाइम के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। आर्डुइनो इंटरफेसिंग के लिए आपको जो VCC और ग्राउंड, आर्डुइनो के VCC और ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। इसकी एको पिन जो है वो आप आर्डुइनो के डिजिटल D2 पिन पे आप लगा सकते हो,
और इसका जो ट्रिगर है ये आप आर्डिनो के D3 पे यूज़ कर सकते हो। रास्पबेरी पाई इंटरफेसिंग के लिए सिमिलर है, VCC और ग्राउंड रास्पबेरी के VCC और ग्राउंड पे कनेक्ट करना है। इसकी जो ट्रिगर पिन है वो आप रास्पबेरी पाई के पिन नंबर 17 पे आप अटैच कर सकते हो, और इसकी जो एको पिन है इसको आप रास्पबेरी पाई के पिन नंबर 27 पे अटैच कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है आप ऑनलाइन स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन ये प्राइस जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MQ3 अल्कोहल सेंसर, ये अल्कोहल डिटेक्ट करने के काम आता है। ये जो है ट्रैफिक पुलिस, आपने देखा होगा ब्रेथ एनालाइजर यूज़ करते हैं किसी ने शराब पी है कि नहीं वो डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे सब जगहों पे MQ3 सेंसर यूज़ होता है। MQ3 के अंदर क्या होता है कि एक इसका वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह से है कि इसके अंदर एक केमिकल जो है एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट अल्कोहल से रिएक्ट करता है। तो हवा में एयर में अगर अल्कोहल की प्रेजेंस मिलती है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन में मिलती है उसके हिसाब से इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और उस हिसाब से वो एक वोल्टेज आउटपुट देता है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी अल्कोहल कंटेंट है। ये 25 से 500 ppm के रेंज में अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकता है। पिन डिस्क्रिप्शन, इसके 4 पिन्स है, VCC ग्राउंड और एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट, और इसमें एक सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियोमीटर भी दिया होता है जिससे आप जो है इसकी सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हो। इसके आर्डिनो इंटरफेसिंग के लिए इसका VCC और ग्राउंड आर्डिनो के VCC और आर्डिनो के ग्राउंड पे जाएगा। इसकी जो एनालॉग आउटपुट पिन है वो आप आर्डिनो के एनालॉग आउटपुट पिन पे A0 पे कनेक्ट कर सकते हो। इसकी जो डिजिटल आउटपुट पिन है वो आप आर्डिनो के डिजिटल पिन पे पिन नंबर 8 पे कनेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है आप ऑनलाइन स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन ये प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MQ5 मिथेन प्रोपेन LPG गैस डिटेक्शन सेंसर, तो ये जो है गैस डिटेक्शन सेंसर है। ये सेंसर इन शॉर्ट जितने भी कंबस्टेबल गैस है, घर का जो गैस हो आपका वो अगर लीकेज हो रहा है, फिर पेट्रोल पंप्स पे जो गैस है GNG है, ये गैस अगर लीकेज हो रहा है तो इसे डिटेक्ट करने के काम आता है। इसके अंदर भी एक केमिकल एलिमेंट होता है जो इन कंबस्टेबल गैसेस से रिएक्ट करता है, और अगर रिएक्ट होता है तो ये एक वोल्टेज एक सिग्नल दे देता है जिससे हमें कंट्रोलर को पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रहा है और कितने ppm पे लीकेज हो रहा है। इसके अंदर इसकी पिन डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके अंदर 4 पिन्स हैं, VCC ग्राउंड एनालॉग आउटपुट और डिजिटल आउटपुट। इसका जो VCC और ग्राउंड है वो आप आर्डिनो के VCC और आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो। इसका जो एनालॉग आउटपुट है वो आप एनालॉग पिन्स पे आर्डिनो के एनालॉग पिन्स पे ले सकते हो, और जो डिजिटल आउटपुट है वो आप एनालॉग के डिजिटल पिन्स पे पिन नंबर 8 पे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो। इसकी प्राइस जो आप है स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होती रहती है हर सेंसर की तरह, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PIR पैसिव इंफ्रारेड मोशन डिटेक्शन सेंसर, तो जैसे इसके नाम में ही है, ये जो है पैसिव इंफ्रारेड PIR सेंसर है जो मोशन डिटेक्शन के काम आता है। ये सिक्योरिटी सिस्टम्स, फिर ऑटोमेटिक लाइट फैन स्विचिंग सिस्टम्स, आपने सोसाइटी में कहीं पे देखा होगा या फिर वॉशरूम्स में कि लाइट या फैन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही आप एंटर करते हो, तो इसमें यूजुअली PIR सेंसर का यूज़ होता है। इसके अंदर क्या है कि पैसिव इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी की जो हीट है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसे डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में। तो अगर कहीं पे मोशन होता है, भले दिन हो या अंधेरा हो, अगर ह्यूमन मोशन होता है या फिर कोई भी लिविंग थिंग हो तो इसे ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके पिन्स अगर देखें तो इसके अंदर 3 काम के पिन्स है, VCC ग्राउंड और डिजिटल आउट। इसके अलावा इसके ऊपर एक सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट नॉब है जिससे आप इसकी डिटेक्शन की सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हो। इसके आर्डिनो इंटरफेसिंग के लिए आप इसका जो VCC और ग्राउंड है आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हो, और जो इसका डी आउट पिन है वो आप आर्डिनो के डिजिटल पिन्स पे पिन नंबर 8 पे फॉर एग्जांपल आप कनेक्ट कर सकते हो। रास्पबेरी पाई इंटरफेसिंग के लिए भी आप इसका VCC और ग्राउंड रास्पबेरी के VCC और ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हो उसके UART पिन्स पे, और इसकी जो डिजिटल आउटपुट पिन है उसे आप रास्पबेरी पाई के पिन नंबर 17 पे अटैच कर सकते हो। इसकी प्राइस आप देख सकते हो हर सेंसर की तरह स्क्रीन पे, ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेन ड्रॉप सेंसर, ये जो सेंसर है ये इन शॉर्ट जैसे इसके नाम में लिखा है, ये रेन ड्रॉप को डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा आप इसे जो है लीकेज डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर समझो कहीं पे लीकेज हो रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे लीकेज हो सकता है, तो इसको पाइप के नीचे भी माउंट किया जाता है जिससे अगर इस पे पानी पड़ता है तो इंस्टेंटली लीकेज की जो है जानकारी मिल जाती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि इसके ऊपर जो ट्रैक्स है आप देख सकते हो, ये ट्रैक्स सब ओपन है, इनको इंसुलेट नहीं किया गया है, तो इसके ऊपर जैसे ही पानी गिरता है, जितना पानी गिरता है उतने ट्रैक्स उसके शॉर्ट हो जाते हैं और एक सिग्नल मिल जाता है, और ये
जो है कंट्रोलर को सिग्नल दे देता है कि पानी गिरा है, एक तो रेन हो रही है या फिर लीकेज हो रहा है। इसकी पिन डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो इसके अंदर VCC है, ग्राउंड है, एनालॉग आउट है और डिजिटल आउट पिन है। इसके आर्डिनो इंटरफेसिंग के लिए इसको VCC और ग्राउंड, इसका जो है आप आर्डिनो के साथ, आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे इंटरफेस कर सकते हो। इसका जो एनालॉग आउट है, जो एनालॉग के पिन्स है आर्डिनो के, उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। और इसके जो डिजिटल आउटपुट पिन है, वो जो डिजिटल आउटपुट्स है आर्डिनो के पिन नंबर 8 पे फॉर एग्जांपल आप माउंट कर सकते हो। इसकी प्राइस जो है आप ऑनलाइन स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन ये प्राइस जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DHT11 टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर, ये एक 2-in-1 सेंसर है, जो एक टेम्परेचर सेंसर और एक ह्यूमिडिटी सेंसर का कॉम्बिनेशन एक ही सेंसर में किया गया है। जो इसके अंदर ये दोनों सेंसर्स है और दोनों आउटपुट्स एक साथ आपको मिल जाते हैं। इसका अगर मॉड्यूल आप देखें, इसके अंदर आपको 3 पिन्स मिल जाते हैं, VCC, ग्राउंड और डेटा पिन। अगर आर्डिनो के साथ इंटरफेसिंग कर रहे हो तो इसकी VCC और ग्राउंड आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे जाएगी, और इसकी जो डेटा पिन है वो आप आर्डिनो के डिजिटल आउटपुट पिन्स जो है पिन नंबर 8 फॉर एग्जांपल उस पे आप अटैच कर सकते हो। इसकी प्राइस जो आप है स्क्रीन पे देख सकते हो, ये भी इसकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होती रहती है हर सेंसर की तरह, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनालॉग साउंड या नॉइस सेंसर, ये जो है एक साउंड सेंसर है, साउंड सेंसर का मॉड्यूल है एक्चुअली। ये क्या करता है कि ये जो साउंड सिग्नल्स जो आते हैं, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, आपको इलेक्ट्रिकली सिग्नल दे देता है, सो दैट आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है जो एनवायरमेंट में क्या साउंड है उसे डिटेक्ट कर सकता है। इसके अंदर 3 पिंस है, VCC, ग्राउंड और एनालॉग आउटपुट AO। आर्डिनो इंटरफेसिंग अगर करने जाए इसका, तो VCC ग्राउंड आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे जाएगा। एनालॉग पिन जो AO पिन है, वो आप एनालॉग पिन्स जो है आर्डिनो के उसके ऊपर आप अटैच कर सकते हो। इसकी प्राइस आप देख सकते हो हर सेंसर की तरह स्क्रीन पे, ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हार्ट रेट या पल्स सेंसर, ये जो सेंसर ये हमें अपनी हार्ट रेट देता है। ये किस तरह से देता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है कि इसके अंदर जब हम इसे उंगली पे पहनते हैं तो इसके अंदर एक ट्रांसमीटर है, LED ट्रांसमीटर, और एक फोटो डिटेक्टर होता है। तो हमारा ब्लड में जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है वो काफ़ी हद तक जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ब्लड का एक बड़ा पल्स आता है, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है, जैसे वो पल्स आता है, जो डिटेक्टर है रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अंदर एक वेरिएंस मिलता है। इस वेरिएंस को डिटेक्ट करके, कितने फ्रीक्वेंसी पे वेरिएंस मिल रहा है उस वेरिएंस को डिटेक्ट करके ये सेंसर जो है ये हमें आउटपुट सिग्नल देता है, हमारी हार्ट रेट देता है। तो इसके अंदर 4 पिंस है, VCC ग्राउंड, और 2 है एनालॉग आउटपुट पिंस, जहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट पे एनालॉग आउटपुट मिलता है इस सिग्नल का। और यहाँ पे डिजिटल आउटपुट अगर चाहिए आपको तो यहाँ पे एक LED लगा है मॉड्यूल पे, कुछ मॉड्यूल्स में नॉर्मल LED होगा, कुछ में SMD LED होगा, तो इस LED पे जो है डिजिटल आउटपुट भी मिलता है। तो आर्डिनो इंटरफेसिंग के लिए हम इसका 5 वोल्ट का एनालॉग आउटपुट यूज़ करेंगे। इस पे हम VCC और ग्राउंड इस मॉड्यूल का जो है आप आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे कनेक्ट कर सकते हो, और इसकी जो 5 वोल्ट एनालॉग आउटपुट पिन है वो आप आर्डिनो के A0 या किसी और एनालॉग के पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस आप देख सकते हो हर सेंसर की तरह स्क्रीन पे, ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 चैनल फ्लेम सेंसर, अभी ये एक यूनिक टाइप का सेंसर है। फ्लेम सेंसर पहले भी होते थे, लेकिन उसके अंदर यूजुअली सिंगल चैनल होते थे, एक या दो होते थे मैक्सिमम। ये एक 5 चैनल सेंसर है, जिससे क्या है कि ये कौन से डायरेक्शन में फ्लेम डिटेक्ट हुआ है, फायर डिटेक्ट हुई है, ये आपको डायरेक्शन भी दे देता है। इसके अंदर 5 अलग अलग सेंसर्स है, इन शॉर्ट ये IR रिसीवर्स है। ये IR स्पेक्ट्रम में, जैसे ही समझो फायर लगती है, फिर इसके सामने फायर होती है, तो IR स्पेक्ट्रम में एक चेंज होता है उसे ये डिटेक्ट करता है। इसकी पिन डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके अंदर VCC है, ग्राउंड है, और 5 एनालॉग आउटपुट पिंस है, जहाँ पे पांचों के पांचों सेंसर की हमें जो है आउटपुट मिलती है, कि उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से साइड में फ्लेम या फायर डिटेक्ट हुई है। इसको आर्डिनो के साथ अगर इंटरफेस करना हो तो इसका VCC और ग्राउंड आर्डिनो के VCC और ग्राउंड पे जाएगा। इसके पांचों के पांचों एनालॉग पिंस जो है, अगर आपको पांचों चैनल मॉनिटर करने हो तो आप आर्डिनो के एनालॉग पिंस पे इसे इंटरफेस कर सकते हो। इससे आप हर एक पिन पे अगर जब मॉनिटर करोगे तो आपको समझ जाएगा कि किस पिन पे फ्लेम डिटेक्ट हुआ है, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में फ्लेम डिटेक्ट हुआ है। इसकी प्राइस आप देख सकते हो हर सेंसर की तरह स्क्रीन पे, ये भी फ्लक्चुएट होती रहती है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।